हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा पहला चैप्टर हो चुका। पहला चैप्टर था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमने पिछली क्लासेस में किया है इसको, पिछली क्लासेस में जब इसको तुमने किया है तो तुमको कुछ याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन दोनों में क्या फ़र्क है। हेलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या फ़र्क है? लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो दोनों में डिफरेंस ये है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल हो, एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स, और उसका सब में बड़ा पावर या सब में बड़ा इंडेक्स क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आज हमारा चैप्टर है सेकंड, उसकी डेफिनेशन ही ये है कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो दो होना चाहिए। जब इस कंडीशन में इक्वेशन हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इस तरह से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में, हमारी इक्वेशन जब इस तरह से होगी तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है हम यहाँ लिख लेते हैं, ये इसका क्या है? जनरल फॉर्म। अब यहाँ देखो, ये ए जो है, ए बी सी, ए बी और सी, ये है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और वेरिएबल तुमको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर और यहाँ पर। और एक्स क्या है? एक्स जो है, एक्स इज़ अ वेरिएबल, एक्स जो है वो है वेरिएबल। अच्छा, अब हमारे पास वेरिएबल जो एक मिला, पावर, हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम इंडेक्स हमारा क्या है यहाँ पर? टू। ये टू, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब एक और चीज़, इस इक्वेशन में ए जो होगा ना बच्चों, ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। A is not equal to zero. अगर A zero हो गया तो इसका मतलब वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। तो A जो है किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। B zero होगा तब भी ये क्वाड्रेटिक है, C की जगह ज़ीरो होगा तब भी ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन A is not equal to zero, A का ज़ीरो नहीं होना चाहिए। A zero होगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड के सिलेबस में, बोर्ड के एग्जाम में, एसएससी बोर्ड में ये चैप्टर पूरा कितने मार्क्स का होता है? 12 मार्क्स का। टोटल 12 मार्क्स का ये चैप्टर होता है एसएससी बोर्ड में। इसके अलावा इस 12 मार्क्स में किस किस तरह के नंबर आएंगे? 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क होगा और 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे। यानी ये चैप्टर इन तमाम नंबर्स को कवर करेगा। एक नंबर वाले भी क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, 2 मार्क्स वाले भी होंगे, 3 वाले भी और 4 वाले भी होंगे। अब बच्चों, ये जो है बस तुमको, ये बहुत सिंपल और आसान चैप्टर है, इसमें तुम ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तुमको सिर्फ ये डेफिनेशन अपने जहन में रखना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ये है कि वेरिएबल सिर्फ वन होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्स हुआ है तो यहाँ भी एक्स, ऐसे नहीं कि यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई हो, इस तरह से नहीं। और मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर जो है वो कितना हो? टू। तो वो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो चीज़ें ही जहन में रखते हुए हम आगे काम करेंगे। ओके, अब अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत छोटे छोटे से सवाल आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क और 2 मार्क के लिए, वो हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है,
राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको लिखना है, तो कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हम कोई भी दो क्वाड्रेटिक सिंपल इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि किस फॉर्म में आएगी, हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आएगी। तो एक हम ये लिख लेते हैं, अच्छा इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको लिखना है, तो कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, एनी टू राइट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम एक इक्वेशन ये लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, एक हमने ये लिखी। सेकेंड हम लिख लेते हैं यहाँ पर 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखो, हमको ये देखना है, हमने ये दो इक्वेशन ली, क्या ये दोनों इक्वेशन हमारी सही है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। हमको देखना है कि ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है या नहीं, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, वो जहन में रखे हमारे, ये इस तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों देखो, ये जो है इससे हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। बच्चों जब हमने कंपेयर किया तो देखो, a की जगह 3 है, जीरो नहीं है, b की जगह माइनस 5 है और c की जगह 3 है, यानी ए बी सी मीन्स 3, 5, 3 यहाँ पर क्या है, रियल नंबर से। अच्छा अब वेरिएबल की तरफ देखते हैं, तो वेरिएबल देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, एक वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, और हाईएस्ट पावर जो है उसका क्या है, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने सही लिखी। अच्छा अब सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड हमने लिखा है 9y स्क्वायर प्लस 5। बच्चों यहाँ पर इससे हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या नहीं है, चलो यहाँ हम वेरिएबल x ले रहे थे, यहाँ y है, कंपेयर करके बताओ हमको किस तरह होगा। हेलो, वेरिएबल की जगह हम y लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये इक्वेशन इस सिचुएशन में नहीं बैठ रही है, क्यों नहीं बैठ रही है, देखो ए की जगह तो 9 मिला हमको और सी की जगह 5 मिला, क्या नहीं है, क्या मिसिंग है इसमें, तो बच्चों बी मिसिंग है, यानी बी जो है वो क्या है, जीरो। हमने तुमको इससे पहले भी बताया डेफिनेशन समझाते हुए कि बी और सी जीरो रहा तो चलेगा, वो क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन ए जीरो रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह अगर हमने इसको कंपेयर किया तो बी की जगह जीरो है और ये इस तरह, यानी ये होगा 9y स्क्वायर प्लस सी, और इस जगह क्या है, बी की जगह जीरो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी की जगह, सॉरी सी की जगह हम लिख लेंगे 5 इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या रहेगा, बी की जगह 0y, या नहीं भी लिखा तो चलेगा। इस तरह हमने ये दो इक्वेशन बनाई पहले सवाल के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको लिखना है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज 2.1 का, और ये है पेज नंबर 34 पर, अब हमको इसका सेकंड क्वेश्चन करना है, बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, तो थोड़े से हम फास्ट करेंगे। हाँ हर क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन तुमको बताते हैं, 2-3 तुम खुद भी कर सकते हो, इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे, और रोज की प्रैक्टिस रोज चाहिए। हाँ आज हमने जितना समझाया ये प्रैक्टिस तुमको अच्छे से करनी है आज के क्वेश्चन की, तो तुम्हारे जहन में रहेगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट भी अबाउट कर देते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं उतारते, देखो किस तरह है, डिसाइड करना है बच्चों, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमको डिसाइड करना है बच्चों, तुमको तय करना है कि जो नीचे इक्वेशंस दी गई है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इस सूरत में हम यहाँ पर पहले 3 करते हैं फिर 3 करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन, तो इसे 3 हिस्से बना लेते हैं इस तरह से। पहली इक्वेशन है नंबर 1, x स्क्वायर प्लस 5x
माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. सेकेंड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन. और तीसरी इक्वेशन है, थर्ड है वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टू. फिलहाल हमने तीन इक्वेशन लिखी है, तीन इक्वेशन तुमको होमवर्क देंगे इसके आगे वाली. फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तुमको करना है. उसमें से अगर कुछ नहीं आएगा तो कल तुम पूछ सकती हो. अब हमको ये डिसाइड करना है, हमको तय करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो बगैर सोचे समझे हम उसको बगैर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाए कोई जवाब नहीं दे सकते. अगर बगैर सोचे समझे जवाब दिया तो जाहिर बात है वो रॉन्ग ही होगा. तो हम यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्या ये हमारे क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में मैच कर रहा है. तो हम यहाँ लिख कर देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. चलो हमने लिख लिया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है. ओके x भी है, a जो है a की जगह जीरो नहीं है यानी वन भी है, b की जगह फाइव है और c के प्लेस पर टू है. इसके अलावा हम दो चीज़ें देखेंगे, दो चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है. एक तो ये कि वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, और सब में हाईएस्ट डिग्री, सब में बड़ा पावर तुम्हारा क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए. तो ये हमारे पास दो भी आ गया और वेरिएबल सिंगल भी आ गया. अब हम इसका आंसर लिखेंगे. आंसर किस तरह लिखोगे, हेलो एक्स सिर्फ एक वेरिएबल है तो हम लिखेंगे एक्स इज द, इन दिस इक्वेशन एक्स इज द ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन एक्स इज द ओनली वेरिएबल, या ओनली वन वेरिएबल भी लिख सकते हो, ओनली वन वेरिएबल यानी एक्स सिर्फ एक ही और एक ही वेरिएबल है. इन दिस इक्वेशन एक्स इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज टू, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना आ रहा है, टू आ रहा है. तो ये क्या हो जाएगी, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हमने शॉर्ट में लिखा इक्वेशन. ये होगा तुम्हारा आंसर. पहले हमने इसको कंपेयर किया उस सिचुएशन में पूरा आ रहा है ये, तो फिर इस तरह से जवाब देंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ, बोर्ड पर लिखा हुआ है बच्चा. देखो सेकेंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन. अब हम इसको कंपेयर करेंगे. जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसको हमको पहले जनरल फॉर्म में लाना है. जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगा, जनरल फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. अच्छा यहाँ वेरिएबल y है तो हम y रखकर देखेंगे. चलो पहले हम इसको ठीक करते हैं. वो इस तरह से कि देयरफॉर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर इक्वल के बाद प्लस फाइव वाई है, फाइव वाई पहले आएगा ये होगा माइनस फाइव, इक्वल के बाद आफ्टर इक्वल माइनस टेन है उसको भी हम पहले ले लेंगे तो वो होगा प्लस टेन, और अब इक्वल के बाद क्या रहा, जीरो. बच्चों हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रखकर देखेंगे ये पूरा उतर रहा है या नहीं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में. तब हम यहाँ पर लिखते हैं ए वाई है तो वाई लिखते हैं वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस ही लिखेंगे प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. और तुमको कंपेयर करने के लिए तुमने वाई की जगह एक्स भी लिखा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कंपेयर करने के लिए, तो वो कोई रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, जैसे अगर हम लिख लेते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हमको यही याद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. बस हम इसको कंपेयर करते हैं, ए की जगह वन है, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है, बी की जगह पाँच लिखा है फाइव, और एक्स एक्स यहाँ वेरिएबल है यहाँ वाई है, और सी की जगह कोई नंबर लिखा है. ये बिल्कुल फिट है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको हमने कंपेयर किया तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में फिट हो रहा है. तो हम यही जवाब लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन एक्स इज द ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज टू, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसी तरह से ये भी जवाब होगा, इन दिस इक्वेशन अब एक्स की जगह यहाँ वेरिएबल क्वेश्चन में क्या है, वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ वाई, वाई इज द ओनली वेरिएबल भी लिख सकते हैं या ओनली वन भी लिखा तो कोई रॉन्ग नहीं है, ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स
हाईएस्ट इंडेक्स भी लिख सकते हो या मैक्सिमम भी लिख सकते हो. इज टू, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज, किसको कहा है बच्चों, इस इक्वेशन, इसलिए ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हेलो, सबकी समझ में आया होगा बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछ लो. दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू बहुत इजी है. तुमको दो कंडीशन ही याद रखना है कि वेरिएबल वन चाहिए तुमको और हाईएस्ट पावर दो होना चाहिए. और तीसरी भी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि ए जो है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की जगह जीरो नहीं आएगा. अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है. क्या है कि वो अपॉन में लिखा है, वन अपॉन वाई लिखा है. ये बिल्कुल इस तरह से था, हमने कर लिया बच्चों. ये अपॉन में वाई जो है, वन अपॉन वाई, तो ये वाई डिवाइड होगा, हम वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड, ये जो है अपॉन में वाई लिखा है, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में. समय पे पहले हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ द साइड्स बाय वाई. हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड साइड को भी. किससे कंपेयर करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से. बच्चों ये वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाई इंटू वाई स्क्वायर, हाँ पहला वाला, फिर बीच में प्लस वाई इंटू वन अपॉन वाई. डायरेक्ट भी हम कर सकते थे लेकिन इस तरह करने से तुम्हारी समझ में आ जाएगा, इक्वल का इक्वल और टू भी वाई से मल्टीप्लाई होगा. बच्चों वाई स्क्वायर और यहाँ पावर नहीं है, वाई रेस टू वन. हमने इंडाइजेस में पढ़ा है, जब बेस एक जैसी हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो इंडाइजेस क्या होते हैं, ये फॉर्म पढ़ा है ना तुमने, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, तो वो क्या हो जाता है, ए रेस टू एम प्लस एन बन जाता है. यानी बेस वही लिखी जाती है और इंडाइजेस जो है वो प्लस हो जाते हैं. इसी तरह हमारे पास यहाँ दो है और यहाँ वन, तो बच्चों ये हो जाएगा टू में वन प्लस करो वाई क्यूब. अच्छा, ये वाई से ये वाई कैंसिल क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ, टू वाई. अब वाई क्यूब का वाई क्यूब, यहाँ प्लस टू वाई, यहाँ ले लो माइनस टू वाई, इज इक्वल टू जीरो. बच्चों यहाँ पर इस इक्वेशन में वाई तो वन वेरिएबल नजर आ रहा है हमको, लेकिन इसका पावर क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स तीन है, थ्री है, और थ्री हाईएस्ट इंडेक्स आ रहा है, तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन जो हमें हमको याद रखनी है वो ये वेरिएबल वन होना चाहिए. जाहिर बात है इसका वेरिएबल वन है यानी वाई और वाई, लेकिन पावर थ्री है, तो पावर थ्री होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. शॉर्ट में तो हम इसी तरह लिखेंगे, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इन दिस इक्वेशन, देखो इस तरह तुम लिख सकते हो, इन दिस इक्वेशन वाई इज द ओनली वन वेरिएबल, इतना ही जवाब आएगा, विथ हाईएस्ट इंडेक्स थ्री नॉट टू. उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, थ्री है, टू नहीं है. तो ये सेंटेंस लिखने के बाद तुम लिखोगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेंटेंस भी हम ऊपर लिख लेते हैं, या तुमको जो बताया उस तरह से भी लिख सकते हो तुम, इन दिस इक्वेशन कौन सा वेरिएबल है, वाई, वाई इज द ओनली वन वेरिएबल, वाई इज द ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, थ्री, विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज थ्री, तीन है नॉट टू, दो नहीं है. इसलिए देखो यहाँ आखिर में हमने लिखा था लास्ट में, लेकिन हम यहाँ भी लिख रहे हैं, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो बच्चों इस एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर वन हमने किया, क्वेश्चन नंबर वन आसान था, सिर्फ कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको बतानी थी. क्वेश्चन नंबर टू में डिसाइड करना है कि जो उसने इक्वेशन दी है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हमने डिसाइड कर लिया इस तरह से. ऐसे ही तुम्हारे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री किया, ऐसे ही तुमको करना है फोर फाइव सिक्स, और अगर उसमें कुछ नहीं आया तो कल अपनी क्लास है, कल उसमें तुम पूछ सकते हो, ठीक है. अच्छा, वहाँ लिख कर रखो कि ये क्वेश्चन नंबर टू जो इस तरह से तुमने किया है, ये तुम्हारे पेपर में, बोर्ड के पेपर में वन मार्क में पूछा जाता है, वन मार्क, एक नंबर के सवाल आते हैं, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. और जो हमने क्वेश्चन नंबर वन किया ना कि राइट एनी वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो भी वन नंबर में पूछा जा सकता है.
नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और अभी करेंगे हम उसको भी। हेलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पेज नंबर 34 पर ही है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और वो इस तरह से है। सेकंड नहीं, सेकंड हमने किया, सेकंड के तीन किए हमने, तीन किए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ तुमको करना है, और इसमें से कुछ नहीं आए तो कल पूछना है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन देखो, दो ब्रैकेट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड जो भी हमने किया था उसका पांचवा बच्चों दो ब्रैकेट है, इक्वल टू जीरो है, तो दोनों ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर तुम्हारे पास इक्वेशन बनेंगे, उसके बाद तुम कंपेयर करोगे। अगर नहीं आए तो कल ये हमको पूछ लेना। ये हमने छोटी क्लासेस में किया है, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन कैसे बनती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुमको जो इक्वेशन दी गई है उसको इस फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले तो लिखना है, देन राइट द वैल्यूज, और वैल्यूज लिखनी है ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन, और ए बी और सी इनकी वैल्यूज मालूम करनी, यानी इनकी वैल्यूज क्या है। तो बच्चों यहाँ पर इन सवालों में हमको दो काम करने हैं, पहले तो जिस हालत में भी वो इक्वेशन होगी उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, और उसके बाद उसमें से ए बी सी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है नंबर 1, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर। सब में पहले हमको क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। हाँ, एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन, देखो हमने क्वेश्चन जो है वो इबारत जो है जो वर्ड्स में लिखा है वो हमने नहीं उतारा, वो तुम पूरा उतार लेना, ठीक है, और उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। हमने सिर्फ वो जो सेंटेंस है उसका मतलब बता दिया तुमको कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है हमको, और ये तीन वैल्यूज ए बी सी की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। बच्चों इस तरह का सवाल पेपर में कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ये सवाल कंपलसरी है इन एसएससी बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता ही आता है, ये लिख कर रखो वहां पर, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और पूरे 2 नंबर तुमको यहाँ लेने हैं, आधा नंबर होगा तुम्हारा काम। अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। चलो सबसे पहले हम इसको इस तरह लेकर आएंगे, बच्चों यहाँ पर इक्वल से पहले 2y है, इक्वल के बाद है y स्क्वायर और माइनस 10, तो पहले ये माइनस y स्क्वायर को यहाँ लाते हैं हम इक्वल से पहले, तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस 2y इक्वल से पहले है तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 10 इक्वल के बाद है पहले लेंगे हम तो ये होगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसको वाई 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 कर दें, हमारे पास तो सवाल में वाई है हम जानते हैं, यानी हमको एक्स की जगह वाई है, एक्स की जगह वाई है ना, तो कुछ बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि हम कोई सवाल में एक्स लिख देंगे, कोई सवाल में एम लिख देंगे, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म एक ही याद रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब हम बच्चे इससे कंपेयर करते हैं इसको, देखो ये आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, ए की जगह कुछ नहीं है 1 है, बी की जगह यहाँ 2 है, x की जगह y है, c जो है उसकी जगह 10। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको लिख चुके हैं, और हमने इससे इसको कंपेयर भी किया, क्या किया इससे हमने इसको कंपेयर किया, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब हमको a b और c की वैल्यू मान करनी है, a की वैल्यू बताओ क्या है, a की वैल्यू, a की जगह तुमको क्या नजर आया 1, वेरी गुड, नेक्स्ट b की जगह क्या नजर आ रहा है, b की जगह है 2 और c की जगह पर है माइनस 10, तो ये हो गई तुम्हारी वैल्यू, ये एक आंसर है तुम्हारा, एक आंसर तुम्हारा ये, 2 आंसर्स पूछे हैं उसने। अच्छा एक और चीज़, जब तुम इस तरह से करोगे पूरा तो इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी बोर्ड में वो भी देखते जाओ। अच्छा इसकी मार्किंग स्कीम ये होगी कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तुम लेकर आए इस पर होगा हाफ मार्क्स, इस पर होगा
आधा नंबर, हाफ मार्क्स, और ये जो है हाफ हाफ हाफ, यानी ये हो गया वन एंड अ हाफ, तो वन एंड अ हाफ और हाफ दोनों मिलकर हो गया टू मार्क्स, तो टू मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा और कंपल्सरी रहता है, हर साल पूछा जाता है, तो इसकी तुमको अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आधा नंबर भी तुम्हारा कहीं से कैंसिल नहीं हो, तुमको पूरे पूरे मार्क्स मिले। नेक्स्ट एक और बताते हैं, देखो इजी है, तुम कर सकते हो क्या, तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलो कौन सा पूछना है बोलो, तुमको कौन सा क्वेश्चन पूछना है वही बताओ। जैसे थर्ड का फर्स्ट हमने किया, अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है। हाँ बोलो, कोई भी बच्ची बताओ कौन सा करें हम, थर्ड करें, ओके तीसरा करते हैं। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर है थ्री माइनस एक्स। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चिन्ह, यहाँ एक की जगह, ये पहले वाले के लिए एक था, टू मार्क्स क्वेश्चन। तो बच्चों जब हम इसको ठीक करेंगे, देयरफॉर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस फाइव एक्स लिखा इज इक्वल टू माइनस से बाहर, अंदर की साइन दोनों की चेंज हो जाएगी, प्लस थ्री क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स। अब हम इनको तरतीब से लिखेंगे, यानी हम इनको ऑर्डर में लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स नहीं रहेगा, इक्वल के बाद प्लस एक्स है वो इक्वल से पहले आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री इक्वल के बाद है वो भी पहले आएगा प्लस थ्री होगा, और इक्वल के बाद रह जाएगा जीरो। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म से, क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ सॉरी एक चीज़ और, यहाँ पर हमको एक्स और एक्स की ये एक जोड़ी मिली है, हमको एक पैर मिला है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ होगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, हाँ फाइव माइनस वन फोर, और दोनों में ग्रेटर नंबर है फाइव, उसकी साइन प्लस, यानी फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बच्चे तुम खुद भी देख सकते हो, कंपेयर करो, ए की जगह कुछ नहीं है वन है, एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस हो सकता है, अभी जैसे हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्लस है लेकिन इक्वेशन दी गई इक्वेशन में माइनस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलेगा, बी की जगह फोर है, एक्स की जगह एक्स है, सी की जगह थ्री है, तो ये हमारे ए क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में आ गया। हाँ तो एक हमारा आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर हमारा ये होगा कि हमको वैल्यूज़ बतानी है, उन वैल्यूज़ को इस तरह बॉक्स में भी लिख सकते हो, एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, और ये तीसरी वैल्यू। चलो ए बताओ क्या है हमको, ए की जगह कुछ नहीं है, ए को कंपेयर करो तो ए है वन, बी की जगह है बी इज इक्वल टू फोर एंड सी इज इक्वल टू थ्री। इसी तरह हाफ मार्क्स तुमको इस इक्वेशन में मिलेगा, इस इक्वेशन पर हाफ होगा, और वन एंड हाफ ये तीन होगा, तो इस तरह ये टू मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं। आई होप बच्चों की समझ में आ रहा होगा। हेलो बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछो, या और हम कौन सा करें ये बताओ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला किया और तीसरा किया, बाकी तुम कर सकते हो, कर सकते हो ना, पहला और तीसरा हमने किया। हेलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर वन वन नंबर के लिए, वन मार्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर टू जो हमने दो क्वेश्चंस किए वो टू मार्क्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस तुमको आने चाहिए। अब देखो हमने तुमको होमवर्क दिया, होमवर्क क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर टू में तीन क्वेश्चन हमने किए, तीन तुमको दिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में दो क्वेश्चन हमने किए, और एक और करते हैं और उसमें भी तीन करते हैं और तीन तुमको देते हैं, ओके। चलो और कोई क्वेश्चन करेंगे हम, कौन सा करें बताओ। हेलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हो, ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमको मिटा देना पड़ेगा पहले वाला। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला हमने किया फर्स्ट, थर्ड किया, सेकंड भी बताते हैं, सेकंड इस तरह से है, एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री।
तो जी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे पहला है x माइनस वन द होल स्क्वायर, x माइनस वन द होल स्क्वायर मतलब तुमने किया है बच्चों छोटी क्लासेस में किया है, एट में किया है, नाइन्थ में किया है, एक्सपांड करना। जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर को हम एक्सपांड करते हैं, इसको खोलते हैं, एक्सपांड यानी बढ़ाते हैं आगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म b है, या फर्स्ट टर्म है a है और लास्ट टर्म या सेकंड टर्म हम b को बोलेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये साइन माइनस है तो माइनस, टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दो से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को और सेकेंड टर्म को, प्लस सेकेंड टर्म या लास्ट टर्म इज स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देयरफॉर लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को, जब ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स और टू एक्स वन जर टू एक्स, टू एक्स लास्ट टर्म में प्लस ही आएगा और वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो इस तरह से हमने इस ब्रैकेट x माइनस वन द होल स्क्वायर को इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व किया। आगे आता है 2x प्लस 3, वो वैसे ही लिखा हमने, फिर देयरफॉर x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह, प्लस 2x यहाँ आ जाएगा माइनस 2x। अच्छा बच्चे देखो, यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ प्लस है, अगर यहाँ भी माइनस होता और बीच में इक्वल का निशान है तो हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अगर बीच में इक्वल का निशान हो और यहाँ पर एक जैसी टर्म हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या माइनस दोनों हो या दोनों प्लस हो तो वो कैंसिल हो सकती है, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो वो इक्वल के बाद जो प्लस है उसको भी हम यहाँ लेकर आए माइनस टू एक्स, फिर ये प्लस वन का प्लस वन, इक्वल के बाद जो प्लस थ्री है यहाँ आएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी जोड़ियाँ बन रही है, एक्स का एक पैर बन रहा है और नंबर का एक पैर बन रहा है, पैर मीन्स जोड़ी, देखो इसकी एक जोड़ी बनी और इसकी एक जोड़ी बनी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एन टू फोर, और दोनों का निशान जो है माइनस है इसलिए यहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर नंबर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं तो साइन भी वही आएगी, प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक को माइनस करो तो दो, और ग्रेटर नंबर थ्री है उसका निशान माइनस इज इक्वल टू टू। बच्चों अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में आ गया। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन जमा प्लस या माइनस दोनों चलेगी, एक्स का एक्स और सी की जगह माइनस टू, ए की जगह कुछ नहीं है वन, बी की जगह फोर, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज दे सकते हैं। एक तो ये हमारा आंसर हो गया कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आए, दूसरा ये कि ए की वैल्यू आई हमारे पास वन, बी की वैल्यू आई माइनस फोर और सी की वैल्यू आई माइनस टू, तो ये है हमारा आंसर। ये है वन एंड हाफ मार्क्स का और ये हाफ मार्क्स का, वन एंड हाफ प्लस हाफ टू मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ए टू मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। हेलो, यहाँ तक हर एक की समझ में आ गया होगा। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर वन किया, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आज के, आज हमने किया क्या, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नया चैप्टर सेकंड चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, उसका इंट्रोडक्शन ये है या उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो और हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स या मैक्सिमम पावर दो हो तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने बताई कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए की जगह जीरो रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो हमको ए को जीरो नहीं रखना है, बी जीरो रहेगा चलेगा, सी जीरो रहेगा चलेगा, तब भी वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद अब बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर वन किया, बहुत सिंपल था, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। तो आज तुमको हम एक्स्ट्रा होमवर्क भी कुछ देंगे, एक्स्ट्रा होमवर्क ये दे रहे हैं हम तुमको कि पहला सवाल जो है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम भी तुमको एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा में लिखो राइट एनी फाइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट एनी फाइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में छह सवाल आते हैं तुम्हारे, तो छह में से हमने तीन करा लिए, तीन तुम करो और उसमें से जो नहीं आएगा प्लीज कल पूछ लेना। फिर हमने क्वेश्चन नंबर थ्री किया, क्वेश्चन नंबर थ्री में भी छह है जिसमें से हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किया और तीन तुमको करना है और कल हमारा पीरियड है, कल तुम इसको पूछोगे कि तुमने इसको किस तरह, हम पूछेंगे तुमने इसको किस तरह किया, क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है, क्या तुमको कुछ पूछना है, तो हर बच्चे प्लीज़ पूरा करें इसको, ज़्यादा नहीं है, तीन तीन सवाल ही हैं तुम्हारे होमवर्क के और एक एक्स्ट्रा दिया है तुमको वो।
तीनों भी आसान है, 15 मिनट का काम है, आज ये काम हो जाना चाहिए। और जितने सवाल हमने समझाए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो कि हम इस तरह बोल रहे थे, इस तरह बोल रहे थे, तो आज ही जहन में रहेगा। ये हर सवाल को एटलीस्ट तुम दो दो मरतबा अपनी रफ बुक में करो, या तुम्हारे पास स्लेट हो, बोर्ड हो, उस पर करो, तो तुम्हारे जहन में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम इसके आगे करेंगे। हेलो हेलो, ठीक है बच्चों, एंड करें अब। अल्लाह हाफिज़।